थैंक यू सो मच। क्या कुछ चल रहा है लाइफ में और कितने काम आ रहे हैं? अभी तो जवाब दिया। अभी फ़िलहाल तो हम मोस्टली इनटू माय फैमिली, घर पे थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर है, माय मदर इज़ नॉट वेल, तो अभी मोस्टली आई एम फोकसिंग ऑन हर राइट नाउ। पर हाँ, जो भी जितने भी हो रहे हैं आई एम डूइंग इट साइड बाय साइड, पर अभी फर्स्ट माय प्रायोरिटी इज़ माय मदर। और हम ऑडिशंस दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, इट्स लाइक द डेली बैक टू द नॉर्मल लाइफ, तो वही है। सी टी वी, आई स्टार्टेड विद टी वी, सो आई हैव अ डिफरेंट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर टी वी। और टी वी में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इट्स लाइक 9 to 9 जॉब, हम 8 घंटे वाले नहीं, हम 12 घंटे वाले हैं। इट्स अ 9 to 9 जॉब विच गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अभी मैंने यही डायलॉग किसी को चिपकाया था, बट एनीवे, तो ये है टीवी में। बट आई रियली रियली लाइक टीवी बिकॉज मैं जो भी मैं सीखी हूँ, जो भी मैं करती हूँ, जैसे भी मैं करती हूँ, इट हैपन बिकॉज ऑफ टीवी। बट नाउ लेट्स कम बैक टू OTT। व्हाट हैपेंस इज दैट OTT पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत OTT शोज आते हैं चैनल में। टीवी में आपके पास लिमिटेड ऑफर्स होते हैं, पर OTT इतने शोज आते हैं, इतना सब कुछ होता है कि आपके पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू डू नाइस फिल्म्स। मेरी ख्वाहिश है कि मैं करण और अर्जुन के साथ फिल्म करूँ, सलमान और शाहरुख। सो दैट्स व्हाई लाइक दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इट, एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट। एंड इफ आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी, आई थिंक आई विल बी द मोस्ट लकीस्ट पर्सन, एंड आई थिंक आई एम मैनिफेस्टिंग इट, कि आई एम पुटिंग इट आउट देयर, ये बात लग जाए एंड आई डू फिल्म्स विद देम। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर, आई एक्चुअली देयर वाज, मैं किसी के साथ तो बात कर रही थी, वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ राइट नाउ अ केबिन क्रू लाइक, एंड वो मतलब 2014-2013 में हम लोग साथ में मॉडलिंग करते थे, तो नाउ शी इज़ अ केबिन क्रू। एंड हमारी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि पॉलो तुझे याद है व्हेन यू केम हियर, मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ 2016 में, 2015 दिसंबर में मैं ऐसे आई थी, मतलब आई थिंक आई हैड अ मीटिंग और समथिंग, और मेरी एक शूट थी, तो मैं उसके वजह से मैं यहाँ पे आई थी 2015 में, और उस टाइम पे चंद्रा यहाँ पे ही थी, तो हम लोग मरीन ड्राइव पे गए थे, एंड आई सैट देयर एंड आई थिंक मरीन ड्राइव हैज समथिंग, जो जो मरीन ड्राइव में बैठ के ये सपने देखे हैं ना कि आई वॉन्ट टू लिव इन दिस सिटी, मैं ये शहर में रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, और ये शहर में मतलब बोलते ना आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस सिटी, एंड आई एक्चुअली सैट देयर एंड आई सेड इट टू चंद्रा। हम इतने सालों बाद, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग टच में नहीं थे, इतने सालों बाद शी टेक्स्टेड मी, हमारी बात हो रही थी, बोलो तुझे याद है तूने वहाँ पे, हम लोग बैठे हुए थे रात के 1:30 बजे, और 1:30 बजे तो मतलब, और मैं कलकत्ता से हुई हूँ और मुझे रात के 1:30 बजे समझ में नहीं आता है, हम रात को 9:30-10 बजे घर पहुँच जाते हैं, सो जाते हैं, तो यहाँ पे तो शुरुआत ही उस टाइम पे होता है। तो वो मुझे रात को एकदम लेके गई थी वहाँ पे, हम लोग बैठे हुए थे, एंड देन आई वाज लाइक दिस इज़ द सिटी आई वांट टू लिव, इट्स लाइक यू मैनिफेस्टेड इट पोलो एंड इट इज़ हैपनिंग, यू बीन लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 8 years, यू आर डूइंग योर जॉब, दैट इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इट राइट नाउ कि मैं, मुझे सलमान और शाहरुख के साथ काम करना है, तो हो जाए बस। well, इसी के साथ से किरदार की बात, हाँ, या प्लॉट की बात, किस तरह का किरदार या प्लॉट देख रही हो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, बहुत कम एज की यू नो एक्टर्स होते हैं जिसे बहुत बड़ी एज का काम दिया जाता है। हाँ, सी आई एम गोना डू समथिंग विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर माई एज, जितना मैं दिखती हूँ मुझे वैसे ही करना है, ऐसे नहीं है कि अगर मैं 25 की हूँ तो मुझे 19 का काम मिले, मुझे वो भी नहीं करना है। इफ़ आई एम 27 राइट नाउ, आई विल डू समथिंग जो मेरी एज के साथ परफेक्ट रहे। आई डोंट वांट टू प्ले अ 45 years ओल्ड वूमन, आई डोंट वांट टू डू इट। आई एम 27, तो मैं 25 से लेकर 35 तक जो भी होगा 10 साल का मैं वो कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, बट नॉट अबव दैट। I love to play negative because I think that's there you get to play a lot. बहुत ज़्यादा होता है और positive lead. See, that's this way or that way. There's no in between. But you know, negative में जितना आपको viewers मिलते हैं, positive में नहीं मिलता।
That's why I loved. I started with negative. I did so many negative characters, played it so well. But at the same time, I did something which is extremely positive. So as an actor, I think this is the beneficial thing we have, that we get to play a lot. But yeah, I would definitely, I'm up for anything. Well, follow me. अभी हम जिस तरह से ये ना अभी पिछले इंटरव्यू में बात कर रहे थे. हाँ. ये जानना चाहते हैं जब आप इंडस्ट्री में. हाँ. बहुत सारे लोग जब स्टेप इन करते हैं कास्टिंग का उसका सबसे ज़्यादा उन लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. हाँ. Have you ever faced any of the problem? या आपने ये ना एकदम बेबाक होकर लड़का निकल गया? So I faced it once in very initial days, 2016 की बात है. तो अभी तो वो प्रोडक्शन आई मीन द टैलेंट मैनेजमेंट स्टिल देयर बट अंडर सम डिफरेंट नेम. तो वहाँ पे मैं गई थी किसी मीटिंग के लिए एंड दिस मैन उसको मीटू पे भी घसीटा गया था. उसको आई एम नॉट गोना टेक हिज नेम. उसको मीटू पे भी घसीटा गया था. ही इज़ नॉट ही यूज्ड टू बी बट ही इज़ नॉट देयर एनी मोर. लाइक उसको आप ढूंढोगे भी तो कहीं भी मिलने लगा नहीं बंदा. ही हैज़ डिसअपीयर्ड कम्प्लीटली. So he have approached me in a wrong way. And I was very young, 2016, yeah, मतलब almost 8 साल पहले की बात है. I was very young. So he said something like, हाँ ऐसे तो करना पड़ता है. I won't do it. He said, you don't know who I am. और मैंने उसको जो झाड़ा था ना इंटरव्यू में बैठ के, मैंने उसको मतलब होता ना अच्छे से सुनाया था कि देखो मैं रास्ते में निकाल के मारूंगी. और फिर मैं निकल गई. निकल गई देन आई वेंट टू माय एजेंसी एंड आई वाज लाइक आई नेवर वांट टू सी दैट मैन अगेन. आई नेवर वांट टू वर्क विद दैट प्रोडक्शन अगेन. आई नेवर वांट टू डू एनी. एंड उसके बाद ही आई थिंक उसके एक डेढ़ साल बाद ही मीटू वाला चक्कर हुआ था. उसमें वो बंदा पूरा गया. मैंने बोला इसको तो जाना ही था. बट सी आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि यू कैन से समथिंग टू मी एंड आई डाइजेस्ट इट. आई गिव इट बैक टू यू. द थिंग आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस इंटरव्यू राइट. मुझे आप कुछ बोल के यू कैन एक्सपेक्ट मी टू डाइजेस्ट इट. I'll give it back to you in a very nice way. So I think लोगों को वो जो मेरा aura है ना, because of that I never faced anything like that before. After मुझे कोई नहीं बोलता है. मुझे I've heard it from friends who have faced casting couch, ये वो approach वगैरह. But आज तक वो वाले उस वाले situation के बाद आज तक touch wood never. मुझे कोई approach करेगा कैसे? बोले ये मारेगी पकड़ के, ये गाली भी नहीं देगी, ये पकड़ के मारेगी. तो आई डोंट गेट दैट. वेल इसी के साथ साथ दुर्गा पूजा आने वाली है और यू नो कितना मिस करने वाली हूं. एनी ऑफ योर बेस्ट मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर कोलकाता से? कोलकाता से हम ये हमारा एक्चुअली 9 दिन का होता है पर हमारे यहाँ पे 4 या 5 दिन का ही मोस्टली होता है. पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी. तो हम सारे कजन सोते नहीं थे. हम रात भर जागते थे. फिर सुबह मम्मी की गाली खा के उठ के आरती पे बैठ जाते थे. फिर वो कंटिन्यू होता था. दोपहर को थोड़ी देर के लिए हम सो जाते थे. तो आई थिंक ये जो हसल वाला 4-5 दिन था ना, मैं बहुत मिस करती हूँ. मतलब हम इतने कपड़े खरीदते थे, इतना सब कुछ करते थे. एक महीने पहले से सब कुछ प्रिपेयर होना. और हमारा घर का पूजा है. सो दो जो घर वाले पूजा होता है ना, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो और डिफरेंट होता है. मतलब आई थिंक आई हैव हैड द मोस्ट ब्राइट कलरफुल दुर्गा पूजा मेमोरीज. मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब खाना से लेके सब कुछ. सो या विच आई ऑब्वियसली मिस इन बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे में उतना ज़्यादा नहीं होता है. पर जितना होता है, जितना समेट सकती हूँ तो समेट लेती हूँ. 8 साल में कभी ऐसा यू नो वो लेवल का यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं हुआ है. आई वेंट इस मतलब शर्मनाक बात है मेरे लिए. ये 8 साल में मैं सिर्फ 2 बार वापस गई हूँ दुर्गा पूजा में, क्योंकि इस टाइम पे काम वाम होता है ना, काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो हो नहीं पाता है. तो मेरी इंगेजमेंट के बाद मैं गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, क्योंकि ऑब्वियसली इंगेजमेंट हो गया था. तो उस टाइम पे सबको फैमिली वाले को भी बताना था. तो उस टाइम पे मैं गई थी दुर्गा पूजा में. फिर 2017 में मैं भी गई थी. तो ये 2 ही बार गई हूँ. बेशरम हो रहे तुम्हें, बेशरम. नहीं नहीं, एंगेजमेंट टूट गई है अभी. देखो बस खत्म. नहीं अभी आई एम नहीं नहीं हाँ अभी आई एम गोना टेक अ लॉन्ग टाइम टू या टू सी इफ इट्स वर्थ इट. To if it's worth again, like try करने के लिए भी worth है कि नहीं. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for having me. Thank you so much कि यार मैं कुछ भी करती हूँ ये
मतलब सब मुझे मैसेजेस आते हैं आप टेंशन मत लो हम पीछे से सब खड़े हैं, बट दैट्स समथिंग दैट आई रियली 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 लाइक एंड अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, अगर आप नहीं होते वहाँ पर तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, तो कीप लविंग मी एंड थैंक यू वेरी मच।